कितने अंक देना है दस में से, तो शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले हम तीन सवाल ले रहे हैं। बुल्ला से समीक्षा फंड आपसे सवाल करना चाहती हैं, जो इस वक्त यहीं पर बैठी हुई हैं। आप समीक्षा फंड जमा होने विद्यालय मुकेशपुर दिल्ली ऑफ क्लास 11। माय क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ बीइंग फुली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट देयर इज अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस टिल द एग्जाम इज ओवर, सो हाउ कैन यू कोप अप विद दिस? थैंक यू सर। पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के बावजूद परीक्षा समाप्त होने पर डर लगा रहता है, इस स्थिति का सामना कैसे करें? वहीं इसी से मिलता जुलता एक सवाल संजना ने भी पूछा है, रिपब्लिक टीवी के माध्यम से पूछा है, व्हाइल राइटिंग एग्जाम्स आई टेंड टू फॉरगेट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स फॉर्मूले एंड डेफिनेशंस इवन दो आई हैव स्टडीड इट मेनी टाइम्स, हाउ डू आई मैनेज इट बेटर? ऐसा ही सवाल कई बच्चों ने पूछा है। हर्ष शुक्ला है जो कि नवी कक्षा के छात्र हैं और पुणे में रहते हैं, पूछ रहे हैं कि परीक्षा के समय हम अति कठिन तैयारी करते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं, ऐसे समय में जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता और हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और उसे चूर ना होने दें? माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया इस बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। आप में से कितनों को लगता है कि आपका आत्मविश्वास हरी नहीं जाता है? कितनों को लगता है? ये सवाल कौन से बच्चों ने पूछा है और ये बिल्कुल सही सवाल है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। खुद ने भी मेहनत की होती है, अपने पेरेंट्स ने भी की होती है, टीचर्स ने भी की होती है, हमने भी ईमानदारी से की होती है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे, देखकर ईमानदारी से। लेकिन एक चीज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इतने ही मेहनत की क्लासरूम में बैठते हैं, एक शब्द याद आता है ये भी आता है उस किताब में है, फिर याद आता है उस पेज पर है, फिर याद आए उस पेज की पांचवी छठी लाइन में है, सब याद आता है, शब्द याद नहीं आता है। ऐसा होता है ना,